अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 न्यू मैथमेटिक्स बुक के पेपर के जो चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज और कितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हो सके आएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हर चैप्टर से पहले चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन कौन सा आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और उनको नहीं मालूम होता कि वो अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कौन सा कैसे करें और कौन से चैप्टर को ज़्यादा करें और कौन से चैप्टर को कम करें। इस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एमसीक्यूज कितने चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे और साथ साथ कौन से चैप्टर से आपके पास कितने सवालात इंपॉर्टेंट हैं और उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, उन तमाम डिटेल को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जितने चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा वो तमाम चैप्टर्स के सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आप जाके एक एक मैथमेटिक्स के एक एक सवाल को क्या कर सकते हो, जाकर चेक कर सकते हो। याद रखना ये जो टॉपिक है वो सिंध बोर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि पंजाब बोर्ड एंड सिंध बोर्ड दोनों के टॉपिक्स में अपलोड करता हूं, तो ये मेरे पास सिंध बोर्ड से रिलेटेड है। और जितने सिंध स्टूडेंट हैं, मतलब कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, सक्कर बोर्ड, लड़काना बोर्ड और जितने भी आपके पास बोर्ड होते ना, उन तमाम बोर्ड से क्या होंगे यही पैटर्न को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो चले आते हैं, आप देख लेते हैं हमारे पास कि मेरे पास इसके अंदर कौन कौन से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या खुला हुआ है आपके पास क्या कहते हैं शीट मेरे पास खुली हुई है जिसके अंदर आपके मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मैंने लिख दिया एमसीक्यूज आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से आपके पास चैप्टर टोटल 12 है। ठीक है, और हर चैप्टर से जो एमसीक्यूज आएंगे उसको मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ, ताकि क्या हो सके आपको पता चल सके। तो चैप्टर नंबर 2 से स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 2 एमसीक्यूस आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से 1 एमसीक्यूस आएगा स्टूडेंट, फिर 2 एमसीक्यूस आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 1 एमसीक्यूस होगा, फिर 2 एमसीक्यूस एंड देन 2 एमसीक्यूस, फिर 1 एमसीक्यूस, फिर 2 एमसीक्यूस एंड स्टूडेंट 2 एमसीक्यूस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूस, चैप्टर 2 से भी 2 एमसीक्यूस, चैप्टर नंबर 3 से 1 एमसीक्यूस, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूस, चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 1, चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 9 से 2, चैप्टर नंबर 10 से 1, चैप्टर नंबर 11 से 2 और चैप्टर नंबर 12 से स्टूडेंट 2 एमसीक्यूज आएंगे। आपने इस एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है, याद रखना आपने इसके प्रीवियस पेपर, गैस पेपर, टारगेट पेपर और बुक के जो पीछे रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो एमसीक्यूज होते हैं उसको आपने क्या करना है, आपने उसकी डिस्कशन करनी है, उसको एक एक करके सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में इस एमसीक्यूज के क्या हो जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ अगर मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना तो आप वहां पे भी ऐड हो सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं हर जैकेट, तो उससे क्या हो जाएगा आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो जाएगी। तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाके आप मुझे मैसेज करोगे, कहोगे कि सर आप मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चले आते हैं एमसीक्यूज के बाद, अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे स्टूडेंट आपके फर्स्ट ईयर के, इस ईयर आपके 40 मार्क्स के क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मतलब कि आपको टोटल 10 सवालात क्या करने होंगे स्टूडेंट, अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब एनी 10 क्वेश्चंस क्या करने होंगे स्टूडेंट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जब को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आउट ऑफ कितने प्रोवाइड किए जाएंगे आपको 14 सवालात प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आपने 10 सवालात करने होंगे, यानी आपको टोटल कितने एमसीक्यू दिए जाएंगे स्टूडेंट, आपको टोटल 4 चॉइसेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो आए थे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं और उससे स्टूडेंट कितने सवालात बनकर के आएंगे ये भी लिख देता हूँ। तो यूनिट नंबर 1 है स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 से आपके पास एक ही सवाल बनकर के आएगा, ठीक है, शॉर्ट में, और पहला सवाल यही होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से भी स्टूडेंट 1 सवाल बनकर के आएगा, चैप्टर नंबर 2 से स्टूडेंट आपके पास तकरीबन 2 सवालात बनकर के आएंगे। ठीक है, कितने बनकर के आएंगे, 2 सवालात। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से स्टूडेंट्स आपके पास 1 सवाल बनकर के आएगा। ठीक है,
याद रखते मैं इसको क्वेश्चन वाइज कर देता हूँ, वरना आप ना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि दो सवाल तीन सवाल क्या कह रहे हैं सर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपका क्या होगा, चैप्टर होगा या आपके पास क्वेश्चन होंगे, लाइक आपके कितने सवाल बन करके आएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पैटर्न होंगे, मतलब पार्ट वन। इसका जो पहला पार्ट होगा वो सवाल जो होगा वो चैप्टर वन से आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक ही सवाल बनकर के आएगा, ठीक है, मतलब इससे कोई पार्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर जो टू होगा वो आपके पास आएगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर टू से, और इसके जो सवाल होंगे वो कितने आएंगे, वो एक ही आएंगे। और फिर आपके पास क्या होगा, पार्ट नंबर थ्री भी चैप्टर नंबर टू से ही आएगा, और इसमें से स्टूडेंट कितने सवाल बन करके आएंगे, इसमें से भी एक ही सवाल बन करके आएगा। पार्ट नंबर जो फोर होगा वो स्टूडेंट चैप्टर नंबर थ्री से बन करके आएगा, जबकि उसका भी स्टूडेंट क्या होगा, एक ही सवाल होगा। पार्ट नंबर फाइव जो है स्टूडेंट, पार्ट नंबर फाइव चैप्टर नंबर फोर से बन करके आएगा, जिसके स्टूडेंट एक ही सवाल होगा। पार्ट नंबर जो सिक्स है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, वो चैप्टर फाइव से बन करके आएगा, उसके भी एक ही सवाल होगा। उसके बाद पार्ट नंबर आपके पास सेवन जो है वो स्टूडेंट सिक्स से होगा, और आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, एक ही सवाल इससे भी आएगा। पार्ट नंबर जो आपके पास एट है उससे स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर सेवन से आएगा, जो कि आपके पास एक सवाल बन करके आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। फिर इसके बाद पार्ट नंबर स्टूडेंट आपके पास जो नाइन है, ठीक है, नाइन है, नाइन में जो आपके पास सवाल होंगे वो चैप्टर नंबर एट से आएंगे, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है, याद रखना ये चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कितना आएगा चैप्टर नंबर एट से स्टूडेंट, एक ही बन करके आपके पास आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, टेन है, ठीक है, टेन में मेरे पास क्या हो जाएगा, एमसीक्यूज नंबर टेन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइन, मतलब कि चैप्टर नंबर नाइन से आएगा, जिसमें क्या होगा मेरे पास एक ही पार्ट होगा। फिर इसके बाद आपके पास 11 जो क्वेश्चन होगा वो आएगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 से, इसका भी एक ही सवाल बनकर के आएगा। फिर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट 12 होगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट 12 से आएगा, तो 12 से कौन सा चैप्टर आएगा, 12 से मेरे पास 11 से आएगा स्टूडेंट, और इसका भी क्या होगा स्टूडेंट एक ही सवाल होगा। 13 जो सवाल है वो आपका बनकर आएगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 से आएगा दोबारा से, इसका भी स्टूडेंट एक ही सवाल होगा। और 14 भी जो सवाल है स्टूडेंट 12 से आएगा, जिसमें मतलब एक सवाल होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब दो दो सवाल आपके बनकर के आएंगे, टोटल ये 14 सवाल होंगे इन चैप्टर से, और आपको टोटल अटैम्प्ट कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा, और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो जाएगी। स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब हमें यह करना है लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ सिन एजुकेशन के तहत मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग सवाल भी देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि लॉन्ग सवाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो लॉन्ग मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपको, ठीक है, लॉन्ग सवालात, ठीक है, लॉन्ग सवालात स्टूडेंट हमारे पास ऐसा क्यों है, क्वेश्चन नंबर टू के इतने सारे पार्ट हैं, ठीक है, तकरीबन 14 पार्ट हैं, जिसमें से आपने कितने करने होंगे, 10 करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो स्टूडेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर किससे आएगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर यहीं पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री चैप्टर नंबर किससे आएगा स्टूडेंट, टू से आएगा, ठीक है, मैट्रिसेस वाले चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो फोर होगा स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर किससे आएगा, थ्री से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो फाइव होगा स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर किससे आएगा स्टूडेंट, सिक्स से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो सिक्स होगा वो चैप्टर नंबर स्टूडेंट किससे आएगा, सेवन से आएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो सेवन होगा वो चैप्टर नंबर किससे आएगा, एट से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट एट होगा वो चैप्टर नंबर किससे आएगा, टेन और चैप्टर नंबर अलेवन, मतलब दोनों से आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो नाइन होगा वो चैप्टर नंबर किससे आएगा स्टूडेंट, ट्वेल्व से आएगा। और इसमें टोटल आपके पास कितने होंगे, टेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, मतलब आपको अटैम्प करने होंगे 5 आउट ऑफ कितने में से, 7 में से, ठीक है। टोटल आपने 5 सवाल अटैम्प करने होंगे लॉन्ग के, और वो कितने होंगे, 7 में से। अब देखो इसमें से आप लॉन्ग में से भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कोई ना कोई चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, और शॉर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप हर चैप्टर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि गैस पेपर, टारगेट पेपर, उसके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किया है, आप जाके उसे भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को फौरन से और वक्त पर मिल सके। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना, अपने एरिया का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।